चलिए अब हम करते हैं हमारे लच्छा परांठा को बनाने की स्टार्टिंग। सबसे पहले हम एक आटे की लोई ले लेंगे और उसको अच्छे से हम बेल लेंगे। इसको हमने बिल्कुल ही पतला बेल लेना है, जितना भी पतला आपसे हो सकता है आप इसको बेल लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमें इसको फोल्ड करना है। और इसमें आप स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं कोई भी, किसी भी तरह की। हम इसमें नमक, मिर्च, अजवाइन, सूखी मेथी और उसको हम इसमें ऐड करके हम अपना जो पराठा है उसको बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें घी लगाएंगे और उसको अच्छे से फैला लेंगे पूरे पराठे के ऊपर। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने घी यूज़ किया है, आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह से अपने हाथ से या स्पून से, जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं, इसको अच्छे से फैला लें। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा फर्स्ट चीज़, नमक, सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम हमारी रेड चिली पाउडर जो हमारे पास है उसको ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद हम अजवाइन यूज़ करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसमें। और सूखी मेथी भी है हमारे पास, हम इसको भी इसमें यूज़ करेंगे। आप इसको, सूखी मेथी को हाथ में लेके इसको अच्छे से क्रश कर लें और उसके बाद आप इसको सारे परांठे में फैला दें। इसके साथ वैसे तो आपको किसी भी सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये परांठा खुद में ही इतना अच्छा बन जाता है कि आप इसको ऐसे ही खा सकते हो। आप इसके साथ थोड़ा सा कर्ड ले सकते हो, यानी कि दही ले सकते हो, और आप इसको मलाई के साथ भी खा सकते हो। जैसे भी आपको पसंद है आप वैसे इसको खा सकते हो। उसके बाद जब हमने सारी स्टफिंग इसमें फैला देंगे, उसके बाद हम इसमें सूखा आटा फैलाएंगे। सूखा आटा हम इसमें इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो इसकी लेयर्स हैं वो अच्छे से निकल कर आएँ। जब हमारा पराठा बन जाएगा तो इसकी जो लेयर्स हैं वो इसी से आएंगी। उसके बाद हम नाइफ़ के साथ इसमें एक कट लगा देंगे यहाँ पर। उस कट को लगाने के बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे फोल्ड कर रही हूँ, ऐसे राउंड राउंड करके आप इसको फोल्ड कर दें। और इसको पूरे एंड तक आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसी शेप में आपको नज़र आ रहा है, और एंडिंग से लेकर जो उसका पीक पॉइंट है वहाँ से आपको ऐसे पकड़ लेना है और उसको अंदर की तरफ को ऐसे कर देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ अभी इसमें। और उसके बाद आप इसकी लोई बना लें। आप देख सकते हैं कि हमारे परांठे में कितनी सारी जो लेयर्स हैं वो आ चुकी हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। बेलने के बाद तब तक आप जो अपना गैस है उसकी फ्लेम को भी हाई कर दें, ताकि जो आपका तवा है वो भी अच्छे से गर्म हो जाए। और आप इसको अच्छे से बेल कर तैयार करें। ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसकी लेयर्स भी बहुत होती हैं। और आप इसको किसी भी वे में बना सकते हो। मैं गेहूं के आटे के साथ इसको बना रही हूँ, आप इसको मैदे के साथ भी बना सकते हो, वो पराठा भी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन हमारे पास जो हेल्दी ऑप्शन है वो आटे का है, तो आप इसको गेहूँ के आटे के साथ ही बनाएँ। अगर आपको ज़्यादा अच्छा बनाना है तो आप मैदे के साथ भी बना सकते हैं, उसकी जो लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकल कर आती हैं। और आप अपने गैस की फ्लेम को इसके बाद थोड़ा सा स्लो कर लें, उससे जो पराठा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी बनता है। आप इसके ऊपर घी लगा सकते हैं, और अगर आप इसके ऊपर घी नहीं भी लगाना चाहते तो भी ये बहुत अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स हमें कैसी दिख रही हैं। और इसके बाद आप इसको घी लगाएं और इसको अच्छे से सेक लें गैस के ऊपर। ऐसे ही हम अपने सारे पराठे बना लेंगे, और आप सभी लोग घर में ट्राई करना और मेरे को बताना कि आपके जो लच्छा पराठा है वो कैसे बने और आप कैसे वैसे पहले बनाते थे। अगर आपको ये वे भी अच्छा लगे तो आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखना।
अजवाइन और सूखी मेथी यहाँ पर हमारे एक हेल्दी ऑप्शन आ गए हैं। और जैसे कि हम इसको गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो ये ऑलरेडी एक हेल्दी ऑप्शन ही है। ऐसे आप इसको मैदे से भी बना सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, बट द हेल्दी ऑप्शन इज़ गेहूं के आटे से बनाना। आप इसके लेयर्स देख सकते हैं, हमारा जो पराठा है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको क्रश कर लेंगे। आप इसको किसी भी कपड़े में रख कर किसी भी इसको ऐसे क्रश करें और आप इसके लेयर्स देखें कितने अच्छे आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।